कोई भी हो जिसका संघ मजबूत है उसका सब कुछ मजबूत है। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज अपना संघ को मजबूत करे और पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी हमारे देश में भारत में चल रही है, तो पार्टी बनाने की आवश्यकता कहाँ से आ गई। अपने माँ बाप को भूल कर किसी और का नाम लें उससे बड़ा गलत क्या हो सकता है। सौपूर्ण ही जो है बहन जी के साथ समर्थन भी करता है क्योंकि और दूसरी पार्टियाँ बहुजन समाज के हित के लिए काम नहीं कर रहा है। बाबा साहब को मानने वाला कौन आखिर है? तो पता लगा कि यहाँ पर भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। बहुजन समाज के लिए क्या सोचते हैं और देश में सर्व समाज के लिए क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत जय भीम नवोदय। जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भीमसेना के। जी सर, आप इस समय बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं? जी इस समय मैं भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते मैं बहुजन समाज के हित की बात को सोच रहा हूँ जिससे बहुजन समाज की हित हो। कैसे कैसे आपकी बात सरकार सुनेगी, कैसे आपका जो है ये जो बहुजन समाज की स्थिति है बदलेगा? देखिए सरकार कोई भी हो जिसका संघ मजबूत है उसका सब कुछ मजबूत है। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज अपना संघ को मजबूत करे और सत्ता में आए जिससे अपनी बात को रखा जा सके। साहब, ऐसा बताइए कि अपने जो ये बहुजन समाज की जिक्र की, तो बहुजन समाज में कई संगठन हैं और कई संगठन में पार्टियां भी बन चुकी है, आप लोगों को पता है, पूरे देश को पता है। तो संगठन आपका कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? सर देखिए संगठन जो भीमसेना सामाजिक संगठन है ये जी समाज के लिए काम करता है और भीमसेना का दायित्व बनता है कि जो बहुजन समाज के हित की बात करेगा, जो बहुजन समाज की आवाज़ को उठाएगा, शोषित वंचित लोगों की आवाज़ को उठाएगा, उसके हक अधिकार की बात करेगा, भीमसेना उसी के साथ जाएगा। सर, भीम आर्मी की तरह भीम सेना अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगा या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा आदेश नहीं है जी और पार्टी बनाने की जो वास्तविकता है वो जरूरी नहीं है क्योंकि जब एक पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी हमारे देश में भारत में चल रही है तो पार्टी बनाने की आवश्यकता कहाँ से आ गई। आपका इशारा बीएसपी की तरफ तो नहीं है? जी इशारे की बात नहीं है लेकिन जो बहुजन हित की बात है वो बीएसपी के सिवा और कहाँ दिखाई देती है। बहुजन समाज के लोग बीएसपी को सपोर्ट ना करके कहीं और भटक रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये बिल्कुल सरासर गलत है कि जो लोग अपने माँ बाप को भूल कर किसी और का नाम लें उससे बड़ा गलत क्या हो सकता है। बीजेपी का पूर्ण समर्थन आरएसएस करता है, खुलकर सपोर्ट करता है। देश में एक बहुत बड़ा तबका संगठन है उसका, आरएसएस का। तो जो भीम सेना है, क्या वो निरंतर बहन जी के साथ रहेगा जिस तरह आरएसएस बीजेपी के साथ है? देखिए संगठन की बात अलग है, रहेगा न रहेगा तो बात की बात है। फिलहाल वर्तमान में भीमसेना सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन की आवाज़ उठाता है और सौपूर्ण ही जो है बहन जी के साथ समर्थन भी करता है क्योंकि और दूसरी पार्टियां बहुजन समाज के हित के लिए काम नहीं कर पा रही। आपके विधानसभा में बहन जी की क्या स्थिति है? सर हमारी कोशिश है कि विधानसभा कटरा में बहन जी की सत्ता सरकार आए और हम लोग दिन रात उसके प्रयास में जन जन तक जा करके पहुँचा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए बलिदान दिया है वो बिल्कुल छुपा नहीं है। जी सर, क्या मुस्लिम समाज आपके क्षेत्र का बहन जी के साथ है या नहीं? ऐसे तो मुस्लिम समाज को बिल्कुल ही बहन जी के साथ आना चाहिए क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है बहन जी ने सबका सम्मान रखा है, सबको साथ रखा है और जो वर्तमान का समय है आज जहाँ तक बात टिकट की है तो सबसे ज़्यादा भागीदारी मुस्लिम मुस्लिम समाज को मुस्लिम मिल समाज रही को है। मिली है। 68 में 19-20 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। जी और सर, सवाल तो बहुत सारे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना मुझे था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही काम करते हैं। तो मेरी शायद इतनी हिम्मत नहीं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से वो सवाल कर सकूँ बहुजन समाज के बारे में, क्योंकि मैं दिन रात इनको देखा करता हूँ कि बहुजन समाज के प्रति समर्पित रहते हैं हमेशा। प्रदेश अध्यक्ष जी, जो आपका ये लोकसभा है, अभी तक यहाँ से किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है किसी भी पार्टी का, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है। जी वर्तमान में जो पार्टियां अन्य पार्टियां सोच रही हैं कि हम अभी तक किसी को न ला करके और अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, लोगों की मनसा क्या है वो तो उन्हीं से पता लगेगा। जी लेकिन जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम वर्तमान की सरकार अपने पार्टी को के प्रत्याशी उतारे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि उसको क्या करना है। सर, एक सवाल थोड़ा गहरा सवाल है कि आपके बगल में एक लोकसभा है बहराइच और आप भी मिशनरी हैं, थोड़ा मिशन से सवाल पूछते हैं कि वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने रमेश गौतम जी को आरक्षित सीट है क्योंकि लोकसभा बहराइच, तो वहाँ पर रमेश गौतम जी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो जो गौतम जो दलित समाज है वो रमेश गौतम जी का साथ दे या फिर जो है बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पर साथ दे? देखिए आपने सही प्रश्न को रखा है कि जो आप हमारे क्षेत्र में साथ ही बहराइच का लोकसभा है वहाँ से रमेश कुमार गौतम जी को उतारा है। देखिए जी, मैंने जात की बात नहीं की, बात यह है कि जो जिसे मतलब देखिए सर, भारत एक जाति प्रधान देश है और इसे कोई झुठला नहीं सकता कि भारत में जातियाँ है, तो इसीलिए मैंने जात की बात कही क्योंकि तो संविधान में और हर जगह पर जैसे अभी SC ST OBC को आरक्षण है तो ये संवैधानिक रूप है नाम है, और जो जाति का नाम है वो गांव में पूरे देश में चलता है, इसलिए मैंने जात का नाम रखा। देखिए जो आरक्षण की बात है, जैसे आरक्षण की सीट थी उसमें जो है सभी लोग सभी पार्टियां जो है 80 के लोगों को जो समर्थन करके पार्टी में उतार रहे हैं। मेरा मानना है कि जो वर्तमान में 134 सांसद मौजूदा जी सांसद में थे और जब बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे लोगों को क्या जरूरत है, ऐसे लोगों को क्या जरूरत है जब अत्याचार हो बहुजनों पर और वो बोल ना सके? जी वो तो वो कुत्ते की तरह हैं कि जहाँ रोटी मिलेगी वहीं बैठेंगे। मेरा मानना है कि जहाँ पर आरक्षित सीट हो वहाँ पर ऐसे लोगों को उतारा जाए, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए जो दिन रात बहुजन समाज के लिए काम करता हो और बहुजन समाज के लिए ही चलता हो। सर आप कभी चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए हम लोग तो चुनाव के अभी पीरियड में नहीं हैं, ना हमने कभी ऐसा सोचा है कि हम लोग कभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक संकल्प है कि जब तक जिएंगे बहुजन समाज के हित की बात करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, पर हम अपने समाज का अहित नहीं होने देंगे। काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज को राजनीतिक भागीदारी लेनी चाहिए, तो मेरा सवाल यही है कि आप राजनीतिक भागीदारी लेंगे या नहीं? देखिए मानवर साहब ने कहा था, उनकी एक एक बात को हम लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, ये बात उचित है, लेकिन जब तक स्थिति अपना वर्तमान ना हो, जब तक लोग आपको ना फॉलो करें, तब तक राजनीति में आकर के वोट का बंटवारा करने से कोई फायदा नहीं है। चंद्रशेखर के बारे में क्या आपकी राय है? देखिए चंद्रशेखर जी हमारे समाज के हैं जी, वो भी हमारे भाई हैं, ये बात अलग है, लेकिन अभी हमने कहा जिक्र किया कि समाज को बांटने की जी जरूरत नहीं है जी। तो मेरा मानना है कि वो सभी लोग, मतलब चंद्रशेखर को भी चाहिए कि जो राष्ट्रीय पार्टी उसका सपोर्ट करके और बहुजन को एक मंच पर लाकर कार्य को किया जाए तो बहुत उत्तम होगा। थोड़ा सामाजिक बात करते हैं क्योंकि जब आपका संगठन राजनीतिक मोड़ में नहीं है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं चाहता, समाज का हिस्सेदारी चाहता है, तो सामाजिक मुद्दे का बातचीत करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो जो आपका संगठन है वो संगठन उत्तर प्रदेश में किस स्थिति पर है? ये हमारा जो संगठन है भीमसेना, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में अच्छी स्थिति पर है और शोषित वंचित लोगों की आवाज़ को दिन पर दिन उठाता है। अगर ऐसी कोई बातें होती हमारे समाज के ऊपर तो हमारा संगठन चाहे प्रदेश के लेवल पर हो और चाहे मंडल के लेवल पर हो, चाहे विधानसभा के लेवल पर हो और चाहे राष्ट्र के लेवल पर हो, हमारा संगठन दिन रात बहुजन समाज के लिए काम करता है और करता रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय देकर हमसे बातचीत किया और बहुजन समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं कि बहुजन समाज को इकट्ठा करने में आप एक सफल और पूर्ण बहुजन समाज के जो है कार्यकर्ता बनेंगे। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी को इस चैनल को फॉलो करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपनी सदस्यता लेनी चाहिए। बहुजन समाज की हर वो खबर मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे सामाजिक मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय।